नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक और नए सब्जेक्ट के बारे में। अभी तक मैंने 5 वीडियोस डिस्कस करी थी गाइज, जिसमें कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस किए थे, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, जिस सब्जेक्ट का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो इसको भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगा, तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे कि आप सभी को बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स भी मिल सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिखने वाले घंटे को दबा दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करंट थ्रू अ क्वाइल इज गिवन बाय एन ए एंड आई रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट। ठीक है ना, तो आपके पास एन है, ए है, आई है, तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है गाइज। आप लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमेशा देखा होगा, जो कि होता है एन आई ए। ठीक है ना, तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए होगा, जो कि है एन आई ए। 27 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इफ ई नॉट बी नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आप लोगों ने जब ये मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड जब चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो आप लोग ऐसे इक्वेशंस, ऐसे टर्म्स देखने को ज़रूर मिले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होता है गाइज, वो हमारा बी होता है, जो कि वन होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वन कैसे आती है, मैं आपको सॉल्व करके हिंट बताता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है गाइज, जो हमारा सी होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, और ई नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो इसका वन अपॉन इतना हो गया, तो ये ऑलरेडी हमारा इनटू में है, तो वो उससे जो इनटू में है और ये इसके वन अपॉन में है, उसका रिजल्ट हमारा वन आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है गाइस हमारा 28 नंबर या फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज द पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर लेंथ एल कैरिंग अ करेंट आई, देन इट्स एंड्स आर कैप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक तरह से इसका फॉर्मूला है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला हमारा सही होगा वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो आपको जब ऐसे टाइप का कोई पॉइंटिंग वेक्टर पूछ दिया जाए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर से रिलेटेड, जिसका रेडियस आर है, लेंथ एल है, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो वहां पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी भी दिया है, तो आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा, तो वो हमारा ऑप्शन डी होगा, जो कि है वी आई अपॉन 2 पाई आर एल। आपको सारे टर्म्स पता है इनका क्या मतलब है, तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पेयर में से बताना है, जैसे कि डायमैग्नेटिज्म ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव, या फिर पैरामैग्नेटिज्म ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा पेयर करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब जो पैरामैग्नेटिज्म है इसका ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने सक लगता है फेसबुक वाले पेज पे भी डाल रखा है, तो आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस दिया करूँगा गाइस, आप लोगों को सॉल्व करने हैं, या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स भी देता रहूँगा। ठीक है ना, वही है, फेसबुक पेज पर जाइए या फिर फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो वैसे तो मेरी आईडी भी उसी नाम से है और मेरा पेज भी उसी नाम से है। ठीक है ना, पहले मैं राज राय के नाम से यूज़ करता था, लेकिन अब मैंने नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद है गाइज क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि करंट इन अ क्वाइल ऑफ 1.5 H इंक्रीजेज एज I इज इक्वल टू 4 sin 2t एम्पियर ड्यूरिंग द टाइम करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड विल बी वॉट। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि एनर्जी स्पेंड का होता है गाइज 1/2 LI²
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है गाइस एल कितना है हमारा, जो हमारा इंडक्शन है, और कैपिटल एच क्या होता है इसका, यूनिट होता है जो कि हेनरी होता है। ठीक है, तो एल की जगह 1.5 पुट दीजिए, और आई इज इक्वल टू आपका क्या है हमारा, करंट 4 है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप 4 पुट कर दीजिए, तो आपको ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू आसानी से आपके पास आ जाएगा, जो कि है 12 जूल। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है गाइज वो हमारा बी सही होगा। ऑब्वियसली जब यहाँ पे सॉल्यूशन दे ही रखा है मैंने तो आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 37 नंबर क्वेश्चन। इन अ हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, व्हाट हैपेंस टू हॉल वोल्टेज इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डबल्ड कीपिंग द ओमिक करेंट अनचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन करेंट करेक्ट होगा गाइज 37 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है ना, इट इंक्रीजेज 2 टाइम्स। ठीक है ना, तो इसमें ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हॉल वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा 2 टाइम्स। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है गाइज, द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने हैं क्या करेक्ट हो सकता है। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज अ मेजर ऑफ इट्स डेंसिटी, इज इक्वल टू यूनिटी फॉर एयर और वैक्यूम, या फिर डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, या फिर ये लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है गाइस वो हमारा ऑप्शन डी ही होगा। डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय द मीडियम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं गाइस जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, और काफ़ी हेल्प करते रहेंगे आपके फ्यूचर में भी। उसके बाद गाइस हम 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर एट अ टाइम टी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा गाइज वो हमारा ऑप्शन ए होगा, जो कि 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इंडक्टेंस में जाना है, और वहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को देख लेने, तभी अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है गाइस, अ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉयल अलॉन्ग द एक्सिस एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉयल एप्सनल इफ द कॉयल ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट विद द सेम स्पीड द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा इस 41 नंबर क्वेश्चन, वो उसका ऑप्शन ए होगा, जो कि 2 एप्सिलॉन होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस, वो है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस द एवरेज पावर फैक्टर इज गिवन बाय व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है गाइस, द आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF given by this, what is the value? ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है गाइज RMS value। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या गिवन है गाइज, कैपिटल E इज इक्वल टू 8 sin ओमेगा t प्लस 6 sin 2 ओमेगा t बोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करना है, हिंट दे देता हूँ। तो आप सभी को पता है गाइज जो हमारा RMS वैल्यू होता है ये अंडर रूट एवरेज वैल्यू ई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इसको फिर से दोनों साइड होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, ई स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू आप निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद उस वैल्यू को आपको डिफरेंशिएट कर देना है 0 से t तक। ठीक है, और आपके पास ई की वैल्यू पता है ना। ठीक है, तो आपको ई की वैल्यू पता है तो आप उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन 0 से t तक dt। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू पता करनी है और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, काफ़ी थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चन है, आप लोगों को जाना है आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देखने, आपको इजीली समझ में आ जाएगा एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आरएमएस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वैसे इन सब से रिलेटेड मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज भी बता रखे हैं। ठीक है, तो आप उन फॉर्मूलाज पर जाइए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो पहले से लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डाल रखी हैं। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने बहुत सारे फिजिक्स फॉर्मूला क्रैश कोर्स की वीडियोस डाल रखी हैं, वहाँ पर जाइए आप लोग विजिट कीजिए। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है गाइस, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्या होती हैं, मोनोक्रोमैटिक, पोलराइज्ड, या बोथ ऑफ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं गाइस वो हमारी 46 का सी सही होगा। ठीक है, मतलब मोनोक्रोमैटिक भी होती है, पोलराइज्ड भी होती है। ठीक है, उसके बाद है गाइस, वन डे ग्राफ जनरेटर आर सम टाइम बिल्ड्स
हॉरिजॉन्टली बिकॉज दे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑल्सो स्मॉल एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्सेलरेट प्रोटॉन्स या फिर नॉर्म द एबो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसीलिए वो हमेशा उसको हॉरिजॉन्टली बिल्ड करते हैं, ठीक है, कभी कभार वैसे, ठीक है। उसके बाद है गाइस हमारा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा, फॉर अ पैरेलल सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो अगर एक पैरेलल सर्किट की बात करें तो उसमें कौन सी चीज़ सही नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे जो ट्रू नहीं होगी गाइज वो हमारा ऑप्शन सी होगा, द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ गलत होगी वहाँ पे। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इन एन एसी सर्किट द करेंट व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस वहाँ पे ऑप्शन डी होगा, एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम दो तीन और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, जैसे कि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जैसे कि 50 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द डाइपोल इज गिवन बाई वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, जो कि एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप लोग को याद कर लेना है। 51 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई एंड मास एम मूविंग यूनिफॉर्मली बी सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई ई एस यू देन द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम, ठीक है। तो वैसे आप लोग इस पे बेशक अगर क्वेश्चन खोजने जाएंगे तो आपको वैसे फॉर्मूले ही मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो जो नीचे बहुत सारे बुक्स की लिंक डाल रखी है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट्स हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाना है, अगर परचेज करना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। उसके बाद जाके मार्केट से देख लो बुक अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें डाल रखी है, आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देता है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।